हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय लविंग फैमिली इन हार्ट। आज की ऐसी एक रेमेडी है ना जिसके आप फैन हो जाएंगे। मैं तो हो गई हूँ, क्योंकि सनबर्न, ओपन पोर्स और डार्क सर्कल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ना चाहते हैं फिर भी आ जाती है ना, और इस मौसम में तो ज़रूर, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो सभी लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। भाई मैं भी गई थी तो मैं भी लेके आ गई बगैर चाहे, तो भाई मैंने कुछ उपाय कर लिए, तो आपके साथ वही भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे, मुझे तो पता है, 100% पता है कि आपको अच्छी लगनी ही है, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, और क्योंकि मैं हो गई हूँ। आप ना एक चीज़ सोचिए कि हम लोग गोरे तो हो जाते हैं, कहते हैं ना आज गोरा हो जाना है, मुझे गोरे होने वाली एक क्रीम चाहिए। ऊपर से तो आप गोरे हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली भी आपको मतलब हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आप कहीं मेरी स्किन ग्लो नहीं करती, ऊपर से जो हम लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको अंदर से भी अच्छा होना है। जब आपकी बॉडी अच्छे से हील करेगी, आपके हार्मोन सब सिस्टम से चलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका अंदर से ही ग्लो आएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अंदर से ग्लो लाने के लिए आप फेस पे लीपा पोती कर लीजिए, गोरे हो जाइए, लेकिन हाथ पैर का क्या है? तो वो तो अंदर से ऊपर से दोनों का बैलेंस बराबर रखेंगे तभी आप क्रिस्टल क्लियर वाली स्किन पा सकते हैं। देखते हैं आप एक्ट्रेस को, वो बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा मतलब हर डार्क डार्क लाइट हर शेड की हैं सभी एक्टर, लेकिन उनकी स्किन ना एक क्रिस्टल क्लियर, अंदर अलग सा एक ग्लो आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपने खाने पीने का और अपनी ऊपर से स्किन का प्रॉपर ध्यान रखती है। तो अंदर से इंटरनली आपको सेफ रहना है, तो सेफ रहना है, हेल्थी रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट लीजिए, मौसम के हिसाब से जो आप मौसम चल रहा है उसके हिसाब से आप फल फ्रूट खाइए, और आपको पता ही है कोकोनट वाटर तो पीना बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर हो सके, पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पीजिए। और एक चीज़ और, आप ना विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। संतरा खाइए, मौसमी खाइए, लेमन जूस भी पी सकते हैं आप, मतलब विटामिन सी जिसमें होना चाहिए। तो ये हो गया इंटरनल, हो गया। अब आते हैं ऊपर की तरफ, यानी अपनी स्किन की तरफ। तो आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ ना, सच में अमेजिंग है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा 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 चला के देखते हैं, लेकिन नहीं, पूरा देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लीजिए एक कटोरी कहेंगे कटोरी तो लेंगे, एक बाउल लीजिए, उसमें एक चम्मच आप चावल का आटा डालिए। अब कहेंगे चावल का आटा तो है नहीं, तो भाई घर में चावल है ना, उनको पीस लीजिए झटपट, चावल का आटा तैयार। अब चावल के आटे में ऐसा सब क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, विटामिन डी होता है, मतलब ये ओपन पोर्स, झुर्रियाँ, आपकी टैनिंग हो गई है, आपके सनबर्न हो गए हैं, और ये आपके शेड को लाइटनिंग का भी काम करता है। इतने सारे मिनरल्स विटामिन्स हैं, आप खुद समझ सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं चावल के आटे में कितने बेनिफिट होते हैं। फिर एक चम्मच चावल का आटा लिया, उसमें डालिए एक चम्मच शहद। शहद एंटी बैक्टीरियल होता है, ये आप सबको पता है। एक चम्मच शहद मिलाइए, और इसमें एक आधा चम्मच आप इसमें डालिए कच्चे आलू का रस। अब कच्चे आलू में आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब कुछ होता है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप सर्च कर सकते हैं जो जो हम बता रहे हैं। तो उसमें आलू का रस डाल लिया, और उसमें डालिए एक चम्मच दही। मैंने देखिए पहले मैंने दही डाला है, लेकिन जो मुँह से बता रहे हैं वो आप सुनते जाइएगा। तो दही डाल लीजिए, दही आपको पता है विटामिन सी होता है, इसमें मॉइस्चराइजिंग मतलब प्रॉपर्टीज़ होती ही हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट फ्लफी जैसा बनाने का काम करता है, और रंगत को तो निखारता ही है। आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करिए अच्छे से, और अपने फेस पे लगा लीजिए। ये दो काम करेगा, आपके ना
स्क्रबिंग का भी काम करेगा, तो जो डेड स्किन होगी वो भी आपकी निकल जाएगी, और दही है तो आपकी स्किन को तो वो मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट कर ही देगा। कुल मिला के ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली रेमेडी, आप करके ज़रूर देखिएगा। तो बस तीनों को मिलाइए और मिलाने के बाद लगा लीजिए, और टू फिंगर से बस ऐसे 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 आप 2 मिनट के लिए मसाज करिए, लाइटली हाथों से करिएगा क्योंकि इसमें चावल का आटा मिला है। तो बस 15 मिनट के लिए रख दी, छोड़ दीजिए अपने फेस पे, और आप जाके 15 मिनट बाद पूरी तरह सूखने मत दीजिएगा, थोड़ा सा गीला होना चाहिए। अगर सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी पहले ऐसे ऐसे लगा लीजिए, क्योंकि चावल का आटा है, ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हार्मफुल मतलब किसी की स्किन सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, और सेंसिटिव स्किन वाले भी ये कर सकते हैं, बस थोड़ा जेंटली थोड़ा सावधान होके। तो बस इसको लगा के ठंडे पानी से धो लीजिए, और रेगुलर इस रेमेडी को करिए, मतलब 2 दिन छोड़ के 1 दिन करिए, क्योंकि चावल का आटा है तो डेली डेली आप यूज़ मत करिएगा। अगर करना भी है तो आप 1-2 सेकेंड के लिए मतलब जल्दी से लगाया और लगा के बस वॉश कर लिया, आप खुद फ़र्क देखेंगे, और कमेंट में आके ज़रूर लिखेंगे कि हाँ मुझे इससे फ़र्क पड़ा है। तो आई होप मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी ट्राई करिएगा, और पूरा पूरा अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।